अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमेजेस को उनके ऊपर हम कार्टून इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब कि हम अपनी किसी इमेज को किस तरह से कार्टून टाइप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम और ये कि अपनी इमेजेस के ऊपर किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए, जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए किस तरह से हम उनके ऊपर बहुत से खूबसूरत इफेक्ट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मतलब कि ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं वो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए अच्छे खासे पैसे कमाते हैं फाइवर वगैरह से। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ज़ाहिर है आप अडोब फोटोशॉप जानते हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको अडोब फोटोशॉप नहीं आता तब भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अडोब फोटोशॉप की कम अज़ कम बेसिक आनी चाहिए। सिर्फ अगर आपको बेसिक आती है, और ये बहुत आसान है, आप मेरी वेबसाइट पर जाएँगे computerhold.blogspot.com और यहाँ से आके आप अडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं। ये जो चीज़ जो ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसके लिए चाहे आपको कंप्लीट नहीं आता, कंप्लीट भी अगर आप सीखें तो अडोब फोटोशॉप 6-7-8 दिन में आप सीख सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नहीं भी आता तब भी आप इसकी बेसिक सीख लें, तब भी आप आज की ट्रिक जो है वो इजीली सीख पाएंगे। यहाँ पर आप ग्राफिक्स में आएंगे मेरी वेबसाइट में आने के बाद, और अडोब फोटोशॉप पर क्लिक करेंगे, और इसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम अडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं, तमाम उसके मतलब तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं, इंस्टॉलेशन से लेके तमाम टूल्स तक। यहाँ पे देखिए हमारे पास मेरे पास सेटअप मौजूद है, तो पास कलेक्शन यानी कि तो पास लैब का सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद है। हमें इसे इंस्टॉल करना होता है, जस्ट आप इसे ओपन करेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। आपके पास ज़ाहिर है ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बटन मौजूद है सॉफ्टवेयर्स का, सॉफ्टवेयर्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहुत अहम हैं ये, और इनमें कोई भी फेक नहीं है। ये नहीं कि अक्सर जैसे कि वेबसाइट्स में होता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर के लिए आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं किसी पोस्ट में या पेज में, और वहाँ से वो आपको बस वो जलीलो खुआरी के अलावा कुछ नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर होता ही नहीं, ऐसी उन्होंने फेक पोस्टें लगाई होती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी वेबसाइट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। आप इसके अंदर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर बहुत से सॉफ्टवेयर जिनके मैंने डायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके मैंने इनडायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको वो सॉफ्टवेयर लाजमी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तमाम सॉफ्टवेयर रियली मौजूद हैं। यहाँ पर देखें तो पास लैब्स का सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड फॉर विंडो के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ज़ाहिर है आपका पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड मैनेजर में आपके पास आ जाएगा, तो इसे आप यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसे एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे डेस्कटॉप पर करना चाहें तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें, सेव कर दें, अब आप इसे स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डेस्कटॉप पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये इसके आपके पास 32 बिट में भी ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसके ऑल फंक्शंस जो हैं वो 32 बिट पर इंस्टॉल नहीं होंगे। इसके कुछ चंद फंक्शंस ऐसे हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें मेरे पास अभी जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है, ठीक है। तो मैंने तो पास लैब को इंस्टॉल किया है तो मेरे पास इसके आर फंक्शन इंस्टॉल नहीं हुए, ठीक है। तो अगर आप इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट होना लाजमी है, यानी कि जब आप अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करें तो उसे 64 बिट में इंस्टॉल करें, और आपकी विंडो में ये ऑप्शन हो, क्योंकि अक्सर जो विंडोज़ होती हैं वो उनमें सिर्फ 32 बिट की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो आप ऐसी विंडो इंस्टॉल करेंगे जिसमें 64 बिट की ऑप्शन हो और आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट मतलब कि सपोर्टेड भी हो, ठीक है। तो आप 64 बिट में अगर इंस्टॉल करेंगे तो पास लैब को, तो आपके पास तो पास लैब की तमाम फंक्शंस जो हैं, तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे 32 बिट में भी इंस्टॉल करें तो हो जाएगा इंस्टॉल, लेकिन
इसमें कुछ चंद ऑप्शंस जो हैं, जो चंद फंक्शंस हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे जी। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास, जब आप इसे तो पास लैब को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप अडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे, तो आपके पास यहाँ फिल्टर के अंदर तो पास लैब की ऑप्शंस आ जाएंगी। अभी हमने क्योंकि कोई भी इमेज ओपन नहीं की हुई, इसलिए हमारे पास ये बटन जो है वो हाइड आ रहा है, इसकी ऑप्शंस नहीं आ रही। अभी मैं यहाँ पर कोई भी इमेज ओपन करवा देता हूँ। यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं और उसके ऊपर हम उसी तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक इमेज है हमारे पास एक चिल्ड की, तो इसको मैंने एडोब फोटोशॉप में ओपन करवा लिया और डुप्लीकेट लेयर में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो हम नया काम करें हमें वो भी पता चले और जो हमारे पास पहले वाला जो ओरिजिनल पिक्चर होगी वो भी हम देख सकें। अब देखिए, मैं यहाँ पर फिल्टर के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो पास लैब्स की तमाम ऑप्शंस आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि मेरी जो विंडोज़ है वो 32 बिट में मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए ऑल ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, लेकिन 32 बिट सपोर्टेड जितनी भी ऑप्शंस थी, फंक्शंस थे, वो मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से पास लैब के मतलब के फंक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो पास क्लीन 3 इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बने बनाए जो मतलब के अफेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस इमेज को एक कार्टून इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्टून पे क्लिक करूँगा, ऑलरेडी हम कार्टून में ही मौजूद हैं, ठीक है। अब इस इमेज को गौर से देखिए, हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं कार्टून के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस पहले वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, इसे ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये बहुत अहम ऑप्शन है, ये देखें हमारे पास ये इमेज बिल्कुल एक कार्टून की सी इमेज में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत अहम है, अक्सर जो फ्रीलांसर हैं जो फाइवर वगैरह पे काम करते हैं वो जस्ट ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए वो पता नहीं कितने कितने डॉलर वो डेली के कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी नहीं कि वक्त ज़ाया करने वाली बात नहीं है, ये बहुत अहम ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स मौजूद हैं, कार्टून के अंदर ही हमारे पास काफ़ी स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, कार्टून इस तरह की एक मुख्तलिफ स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास एक कार्टून का स्टाइल है। अगर हम वेक्टर इफेक्ट देखें तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। जैसे ही हम किसी भी इफेक्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमें इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता है कि ये इस तरह का होगा, ठीक है, हमारे पास एक पॉपअप विंडो आती है। तो इस तरह से हमारे पास और भी इसके अंदर बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसके बाद क्रिस्प कलेक्शन को देखें तो क्रिस्प स्टाइल हमारे पास ये है, और एच बूस्ट है। तो ये मतलब कहने का ये कि हमारे पास इसमें बहुत से स्टाइल मौजूद हैं। ये खाली है एक मतलब के एक हमारे पास ये फंक्शन था इसका, तो पैस लैब का, तो पैस क्लीन 3। अगर हम इसके ऊपर कोई भी दूसरा अप्लाई करके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो पैस सिंप्लीफाई 4 इसे हम ओपन करवा लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस तरह से रीडिंग करता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया है कुछ देर पहले, तो फर्स्ट टाइम ये ऑप्शंस आती हैं। तो मैं स्टार्ट ट्रायल पे ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी एक्टिवेट की नहीं है, और इसको आप यहाँ से चेक करेंगे, ये जस्ट आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएगा। इसको हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद स्किप कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं स्केच पे आऊँ और यहाँ पे देखें, हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के स्केच जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे कलर स्केच में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, एक स्केच हमारे पास इस तरह से इमेज कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से अगर हम पेंटिंग में आएँ तो पेंटिंग में भी आप देखें हमारे पास बहुत से इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। ये ऑयली है, ऑयल पेंटिंग वगैरह। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अहम बात जो मैं भूल गया आपको बताना, कि भाई
हर इफेक्ट की जो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से आप मज़ीद अपनी पसंद के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक यहाँ से मज़ीद आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप इसका सिंप्लीफाई साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फीचर बूस्ट है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये अप्लाई हो रहा है, ये देखें, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तो इसने नोयत ही इमेज की ख़राब कर दी है, ठीक है। अब मैं इसे कम कर रहा हूँ तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अगर मैं और कम कर रहा हूँ तो ये देखें, इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई इसके ऊपर, चलिए अब हम एक इफ़ेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर कार्टून इफेक्ट अप्लाई करता हूँ और मैं इसकी पहली नोयत और नई नोयत आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम आए और यहाँ से कार्टून में आ गए और पहले वाला फैक्ट्री हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्टून फैक्ट में आ चुका है और यहाँ से आप मज़ीद भी इसकी जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, क्लीन में भी, एच में भी, ठीक है। इनमें मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। जब आप जितनी सेटिंग्स आपने करनी होगी वो तमाम काम जब आप कर चुके होंगे, फिर आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके के बटन पे आप क्लिक करेंगे, तमाम सेटिंग्स आपकी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए, मैंने ये तमाम काम एक न्यू लेयर में किया था ताकि हम बाद में ये देख सकें कि हमने जो सेटिंग्स अप्लाई की हैं वो उनका क्या मेयार है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पहले वाली इमेज दिखाऊँ तो पहले हमारे पास ये इमेज थी, ठीक है। और अब अगर मैं आपको नई इमेज दिखाऊं जो हमने तैयार की है एज अ कार्टून फैक्ट, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ कि जाहिर है हर इमेज की अपनी एक ख़ास नोयत होती है, ठीक है। अगर आप पहले से फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं तो आप ये चीज़ें जानते हैं। तो हर इफेक्ट जो है वो हर इमेज पर एक मुख्तलिफ तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। अगर वो एक इमेज के ऊपर कार्टून इफेक्ट बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जब बिल्कुल रियल इफेक्ट्स लग रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि वो किसी दूसरी इमेज पर भी उसी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। हर इमेज की एक अपनी एक ख़ास नोयत होती है, तो हर इमेज के ऊपर हर इफेक्ट मुख्तलिफ तरह से जो है वो अप्लाई होता है। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप इसे 64 बिट में इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास और जो ऑप्शन जो इस वक्त मेरे पास 32 बिट में मौजूद नहीं है वो भी आपके पास लाजमी आएंगी। तो ये आज हमारी एक वीडियो थी जो कि बहुत अहम है, ठीक है। अक्सर लोग शायद ये समझेंगे कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए फाइवर वगैरह पे काम करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, बहुत अहम थी। इसके ऊपर लाजमी आप काम कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो या कोई भी दुश्वारी हो तो आप मेरी वेबसाइट पर आइए और इसी पोस्ट के नीचे, ठीक है, इसी पोस्ट के नीचे, या अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं तो उस वीडियो के नीचे कमेंट की ऑप्शन है। कमेंट में आप मुझसे जो भी आपको कुछ भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज है, हमारी वेबसाइट के ऊपर, या मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फेसबुक का पेज है, बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे फेसबुक के पेज को लाजमी लाइक कीजिए और हमारा YouTube का चैनल भी मौजूद है, यहाँ पर भी अब क्लिक करके हमारा YouTube का चैनल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो YouTube का चैनल हमारा ओपन करके उसे लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी नई वीडियो, मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी अपडेट्स आपको, मतलब कि आपको ऑल न्यू अपडेट्स मेरी वीडियोज़ के हवाले से, वीडियो ट्यूटोरियल के हवाले से मिलती रहेंगी। तो ये काम लाजमी कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।